गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सुबह का टाइम है और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो सब्जी और रोटी हमारा नाश्ता यही रहेगा आज। और आज मैं अपने पूरे किचन की साफ़ सफाई करने वाली हूँ। बहुत गंदा गंदा सा लग रहा है ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज किचन को क्लीन कर देते हैं। इसलिए सुबह से ही मैंने मन बना लिया था, तो पूरे रूम में तो झाड़ू वाड़ू लगा लिया है और नाश्ता भी बना के रख दिया है, ताकि मतलब कोई मुझे तंग ना करे काम करते हुए। और नाश्ता सब यहाँ पे जो है सबको हटा के अभी किचन को पूरी तरह से करेंगे खाली। सारी चीज़ें यहाँ से हटाएंगे तभी तो किचन साफ करने में बनेगा ना। तो पहले खाना वाना यहाँ से हटा दिया है, ताकि गर्द धूल गर्द जो है ना पड़े। और जितने भी ये डब्बे सब्बे हैं सबको मैं नीचे उतार के रख देती हूँ। जो खाली डब्बे होंगे उसे मैं धोऊंगी, और जो खाली डब्बे नहीं होंगे उसे पोंछ पोंछ के रखते जाऊंगी। और मतलब ये रूम जो है मेरा अंदर में है, बाहर से खिड़की नहीं है एक भी, बस ऊपर जो है एक वेंटिलेटर है दोनों तरफ, तो उसी से थोड़ा गैस पास होता है इधर से। तो मतलब धुआँ जो तेल के छींटे वगैरह होते हैं सब तो डिब्बों पर जाके जम जाते हैं, और तेल तेल जैसा मतलब डिब्बे सारे हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो आज किचन क्लीनिंग ही कर लेते हैं। और देखिए, सारे डब्बों को हटा के पहले मैंने सोचा था कि कपड़े से ही रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, बट ऊपर हल्का सा मुझे गंदगी लगा, तो फिर मैं झाड़ू लेके मतलब ऊपर तो पहुँच नहीं पाऊँगी ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि जहाँ तक झाड़ू जाएगा वहाँ तक कम से कम झाड़ पोछ लेते हैं, उसके बाद पोछेंगे अच्छे से। तो झाड़ू से झाड़ लिया है, उसके बाद ये जो है रेक वगैरह ना इन सबको पोंछ दूँगी, और यहाँ पे पेपर भी बिछा दूँगी। सूखा ही पोछा है, गीला करके नहीं पोछा है। डब्बे मेरे थे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा, मतलब यहाँ खाना बनता है तो थोड़ा सा मतलब तेल तेल जैसा हो गया था। ऊपर छज्जा वगैरह साफ था, हल्का फुल्का जो गंदगी होती है मतलब वो आ जाती है, तो इसलिए इसको सूखे कपड़े से ही झाड़ पोछ के फिर से नया पेपर बिछा दिया है। यहाँ पहले से पेपर बिछा हुआ था, और यहाँ देखिए जब मैं उतर रही थी ना कुर्सी पर, तो इस पे मेरा पैर पड़ गया, उसका हैंडल टूट गया है। अब पम्प पैन का बहुत काम की चीज़ है ये, अफसोस लग रहा था मुझे, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी में मैं विनेगर डाल लेती हूँ, और एक शैम्पू भी डाल लूँगी, इससे जो है ना मतलब तेल वाला चीज़ें हैं जो वो साफ़ हो जाएंगी। इसमें कपड़ा डुबो के और पहले इसको अच्छे से रगड़ेंगे सारे बोतलों पे, और उसके बाद अच्छे से कपड़े को खंगार के दोबारा से इसको पोछेंगे, ताकि डब्बे अच्छी तरह से हैं जो साफ़ हो जाएं। और इस तरह से महीने डेढ़ महीने में मैं करती हूँ, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, बट बीच बीच में इस तरह से करती रहती हूँ। तो अभी इससे पहले मैंने किया था दिवाली में, और दिवाली के बाद मतलब नहीं किया है। जो मतलब डब्बे मेरे खाली होते जाते हैं ना, उसमें सामान भरने से पहले मैं धोते जाती हूँ, इसलिए ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। और इस बार मुझे लग रहा था कि सारे डब्बे पे एक परत जैसी हल्के फुल्की मतलब बैठ गई है, तो मैंने सोचा चलो इसको क्लीन ही कर देते हैं। तो मतलब छुट्टी तो ऐसे होती नहीं है, संडे है, तो सोचा कि चलो सारे काम हो जाएंगे नाश्ता बनाने के बाद, ये काम भी मैं कर ही लेती हूँ। किचन ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमेशा सुबह शाम दोपहर खाना बनते ही रहता है, तो थोड़ा बहुत जो है तेल वेल की चिकनाई तो आ ही जाती है। और ये जो टाइल्स है इस पे भी, तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे रोज़ रात में मैं किचन क्लीन करती हूँ तो कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन अभी जब कर रही हूँ तो सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं लगे हाथों। तो देखिए, पहले इसको मैंने सर्फ वाले पानी से, शैम्पू और विनेगर वाले पानी से पोछा था, और अब साफ़ कपड़े से पोछ पोछ के इसको रखते जा रही हूँ। इस नीचे भी इतना सारा डब्बा डुब्बी है वो सब भी करूँगी, और जो अलमारी दिख रही है ना उसको भी साफ़ करना है, तो लगे हाथ सबको कर देती हूँ। छुट्टी का दिन है तो इस तरह से मैंने सोचा कि चलो आज किचन का ही काम कर लिया जाए। अभी मैं सारे डब्बों को अपने जगह पर अरेंज कर देती हूँ, बाद में ठीक से रखेंगे, लेकिन अभी ऊपर रख देती हूँ। नीचे की साफ़ सफाई मुझे करनी है, तो सोचा कि पहले ऊपर इसको रख देते हैं, फिर नीचे का जो है वो अच्छे से सर्फ के पानी से, और इसमें भी मैंने विनेगर डाला हुआ है ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए, और कपड़े से ही रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ये जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना,
उससे भी बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। लेकिन वो ब्रश मिल नहीं रहा था मुझे, मैंने बहुत ढूंढा, पता नहीं ऊपर छत पे है या कहाँ है, मिल ही नहीं रहा था। इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, कपड़े से रगड़ रगड़ के सारे टाइल्स को मैंने साफ़ किया है। और अब आई हूँ नीचे वाले रेक पे, यहाँ भी बहुत सारे सामान आप देख सकते हैं। मैं छोटे मोटे डब्बे और बड़ा जो तेल वाला है ना, वो सब यहीं पर रखती हूँ, तो इसको भी लगे हाथ साफ़ कर देती हूँ पूरा ऊपर से नीचे। हमारा जो है ट्राईपॉड, वो बहुत मतलब बुरी हालत में ख़राब हो चुका है। इस वीडियो को देखने से आपको पता चला है होगा कि मैं कहीं लगाती हूँ और ये कहीं हो जाता है अपने आप, और इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती, मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने दिखाया विशाल को भी, उसके पापा को भी, ठीक नहीं हो से चल रहा है, फिर भी मैं किसी तरह इससे काम चला रही हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे का पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर फिर से लगा देती हूँ पोंछ पाछ के। यहाँ पे एक बोरा में बिछा के रखती हूँ हमेशा, तो उसी बोरे को फिर से बिछा दिया है, और वापस से जो सामान था पोंछ के अच्छे से और वहीं पे रखते जा रही हूँ। बच गया जो हमारा गैस चूल्हा का जो मतलब बर्नर वगैरह और स्टैंड है, उसे भी मैं धो लूँगी, मतलब कर ही रही हूँ, तो सोचा कि चलो सारे काम ही कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बचना नहीं चाहिए, छुट्टी का दिन है तो सब काम आराम से निकल जाएंगे। फिलहाल सारी चीज़ों को वापस लगा दे रही हूँ और ये सब लेके अब धो रही हूँ, जो मतलब यहाँ पे जो छोटे मोटे सामान थे, यहाँ पे एक स्टैंड है चम्मच स्टैंड, उसी में जो थे वो उसको दोबारा से मांझ के और वहीं पे लगा के रख दूँगी। और ये जो है ना, हमें बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत काम की आती है, जो कद्दूकस है बहुत काम की चीज़ है, तो इसको मैं किचन में ही रखती हूँ हमेशा। और गैस का बर्नर स्टैंड ये सारी चीज़ें धो के यहाँ पे लगा देंगे। वैसे तो मैं अपने सारे बर्तन बाहर चापाकल के पास ही धोना पसंद करती हूँ, बट छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं वो यहाँ मैं धो भी लेती हूँ। कुछ डब्बे खाली थे तो डब्बों को भी मैंने सोचा कि धो ही देते हैं, कुछ कुछ रखना होता है। और जैसे चम्मच स्टैंड यहाँ पे लगा, उसमें कुछ बर्तन वगैरह छोटे मोटे टंग जाते, तो मैं उनको वहीं पर लगा देती हूँ। और अभी देखिए, अब मतलब पोछा लगा लेती हूँ पूरे घर में, मतलब पूरे घर में तो लगाऊंगी ही, लेकिन किचन में ज़रूरी है, क्योंकि अभी ऊपर से मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया है, तो नीचे तो पोछा लगाना बनता ही है। और यहाँ बक्से के नीचे देखिए एक दाग है गोल सा, जो कि छूटता नहीं है। यह अचार का मैंने मर्तबान रखा था, उसमें से थोड़ा जो नींबू का अचार है वो वाला था, पता नहीं कैसे दाग लग गया, जो कि छूटता ही नहीं किसी चीज़ से। आप लोग बताइएगा कि मतलब इसको किस चीज़ से छुड़ा सकते हैं, मैं तो छुड़ा छुड़ा के थक गई हूँ, लेकिन ये हमेशा के लिए पता नहीं कैसे दाग लग गया। और अब आइए फ्रिज की बारी, इसमें से हर 8-10 दिन पे मैं इसका पानी जो है निकालती रहती हूँ, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, और हमेशा निकालती हूँ फिर भी ये जमा ही हो जाता है। इसमें नट बोल्ट है कि उसको मतलब आप खोल के इसको अलग कर सकते हैं, बट मुझसे नहीं होता, तो मैं हमेशा कपड़े से या कलछुल से, बड़े वाले जो चम्मच होते हैं उससे निकाल के साफ़ करती हूँ, लेकिन जब तक कपड़े से ना करो ना ये पूरा नहीं निकलता, तो मैं इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ, कपड़े मतलब कपड़ा डाल के इसको सोख लेता है पानी, इसको गार-गार के यहाँ पे हमेशा सूखा रखती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा, मुझे नहीं समझ में आता तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, आप लोग अगर किसी और तरीके से करते होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। पानी निकालने के लिए मैंने 2 घंटे पहले से ही फ्रिज का लाइन कट करके रखा हुआ था, और फ्रिज भी ऊपर ऊपर गंदा था, तो उसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया है। साथ में यहाँ पे बड़ा सा हमारा ट्रंक रहता है, उसको भी साफ़ कर दिया है, और जितना हो सका करने की कोशिश की है। और उसके बाद जो है अभी नहाई वहाई नहीं हूँ, पहले किचन में ही लगी हुई हूँ, ना नाश्ता किया है ना मुँह धोए हैं, मतलब सुबह से ही मैं इसी काम में लग गई थी, ताकि सारा कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं नहा वहा के आराम से नाश्ता करूँ। और जब तक मतलब
नहाने से पहले ये सब काम जो है वो कर लेना मुझे अच्छा लगता है। नहाने के बाद उतना काम करने का मन भी नहीं करता, नाश्ता करने के बाद थकान सी लगती है, आलस लगता है। इसलिए सुबह सुबह आज 4-5 दिनों से सोच रही थी कि साफ़ करूं साफ़ करूं, तो फ़िलहाल आज कर ही लिया है। और अभी फ़र्श को भी अच्छे तरह से रगड़ रगड़ के पोंछ लेती हूँ ताकि हमारा जो किचन है पूरी तरह से क्लीन हो जाए। तो अब देख सकते हैं एकदम किचन क्लीन हो गया है, नीट और क्लीन अच्छा लग रहा है ना अब। तो बस दोस्तों, आप लोग को आज मैंने अपना पूरा किचन दिखा दिया। और यहाँ देखिए डब्बे सब रखे हुए, बाद में इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे। फिलहाल ये सब हो गया, अब मैं जा रही हूँ नहाने और साथ ही आप सब से मैं विदा भी लेती हूँ। मिलती हूँ आप सब से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए।